दोस्तों गूगल पे के बारे में हमने वीडियो बनाया था, यूपीआई के बारे में। तो एक हमारे दोस्त ने कमेंट में पूछा था कि व्हाट इज यूपीआई, यूपीआई क्या होता है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि यूपीआई के लिए, यूपीआई उनके लिए नया वर्ड है, या फिर वो जो ऑनलाइन पेमेंट जैसे करते हैं यूपीआई के मदद से, वो उसके लिए नया है। तो मैं आपको बेसिकली फर्स्ट से आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीआई क्या है। यूपीआई मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एक ही पेमेंट, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आप अपने ईमेल एड्रेस से किसी को मेल भेजते हो, वैसे ही आपका एक यूनिफाइड पेमेंट एड्रेस हो गया। तो अगर वो एड्रेस आप किसी को देते हो और बोलते हो कि भाई आप इस एड्रेस पर इतना पैसा भेज दो, तो वो अगर आपका जो यूपीआई एड्रेस है उस पर पैसा भेज देगा तो वो डायरेक्टली आपके बैंक में कनेक्ट होगा। तो जनरली होता क्या है कि यूपीआई जो है वो आपके बैंक के साथ कनेक्ट होता है, और आपको यूपीआई सेटअप करने के लिए आपका जो बैंक का अकाउंट के साथ आपका जो डेबिट कार्ड है वो ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट लेते हैं कि यूपीआई सेटअप कैसे करते हैं। तो कोई भी यूपीआई की एप्लीकेशन आप ले लो, चाहे वो भीम ऐप हो, या फिर गूगल पे हो, या फिर पेटीएम हो, या फिर फ़ोनपे हो, जो भी आप एप्लीकेशन लेते हो जो यूपीआई पेमेंट को सपोर्ट करती है, तो वो पेमेंट की ऐप में आपको जाके यूपीआई में जाके अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट आप करते जैसे ही करते जाओगे आपके मोबाइल से एक मैसेज चला जाएगा और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होके वो यूपीआई आपके अकाउंट में सेटअप होगा। लेकिन यूपीआई पेमेंट सेटअप करने से पहले ज़रूरी चीज़ है आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ और आपके बैंक के अकाउंट के साथ लिंक होना ज़रूरी है, और आपके बैंक के अकाउंट में आपका आधार कार्ड अपडेट होना ज़रूरी है। ये चीज़ होगी तभी वो जो यूपीआई में कहीं पे भी आप सेटअप कर रहे हो तो आपका बैंक का अकाउंट वहाँ पे लिस्ट में डिस्प्ले होगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और आपका यूपीआई सेटअप हो सकता है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है फिर भी आप यूपीआई का सेटअप नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है बैंक में या फिर आधार कार्ड में, तो भी आपका यूपीआई सेटअप नहीं होगा। तो ये चीज़ कंप्लाई करने के बाद आप यूपीआई सेटअप को कर सकते हो। यूपीआई सेटअप तो हो गया, अगर आपको किसी को पेमेंट भेजना हो तो आप जैसे गूगल पे का यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ पे पेमेंट सेंड पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आगे का पॉइंट हम देखते हैं यूपीआई वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों जब हम किसी आईएमपीएस या फिर एनईएफटी की मदद से किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें सामने वाले का नेम डालना होता है, उसका बैंक का आईएफएससी कोड है वो डालना होता है, उसके बैंक का नाम और उसके बैंक का अकाउंट नंबर, ये चारों चीज़ें हमें उसमें ऐड करनी रहती है। लेकिन जो यूपीआई है वो एकदम सिंपल है और ये जो सारी चीज़ें हैं उससे अलग ही है कि आपका ईमेल एड्रेस के जैसे एक आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो आपका आईडी है यूपीआई आईडी वो जनरेट होगा जो भी एप्लीकेशन में आप सेटअप कर रहे हो वहाँ पे, और वो एड्रेस ही आपको किसी को देना है और वही एड्रेस से आप किसी को पेमेंट भेज सकते हो। तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस है कि किसी को सेंड करना हो तो उसका यूपीआई आप मांग सकते हो कि भाई आपका यूपीआई एड्रेस मुझे दे दो, मैं वहाँ पे पेमेंट आपको सेंड कर देता हूँ। और आपको किसी से पेमेंट लेना हो तो आपको अपना यूपीआई एड्रेस देना होता है कि ये एड्रेस पे आप पैसे भेज दो, तो वो जैसे ही वो एड्रेस पे आपको पैसे भेज देगा तो यूपीआई आपके बैंक के साथ कनेक्ट होगा, तो यूपीआई में ट्रांसफ़र होकर आपके बैंक के अकाउंट में डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो आईएमपीएस जो जैसे पेमेंट आप ट्रांसफ़र करते हो तुरंत ही सामने वाले को पहुंच जाते हैं, वैसे ही ये यूपीआई का पेमेंट आपको तुरंत ही आपके बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो आगे का पॉइंट हम लेते हैं कि यूपीआई और जो मोबाइल वॉलेट थे, तो अभी यूपीआई आने से मोबाइल वॉलेट पे क्या असर रहेगी। तो जनरली जो पहले आपको पता होगा कि आप पेटीएम में पहले पैसे आप अपने वॉलेट में जमा रख सकते थे, आप फ्रीचार्ज के अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते थे, लेकिन ये जो यूपीआई आया उसके बाद में आप किसी को पेमेंट करना हो तो पैसा आपके बैंक में ही रहता है, आप किसी को जितना पेमेंट आपको भेजना है उतना ही पेमेंट आप भेज सकते हो। तो ये वॉलेट की पूरी दुनिया ही खत्म हो गई ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे फ्रीचार्ज हो गया, पेटीएम हो गया, तो वह पहले वॉलेट की फैसिलिटी यूज़र को देता था और वॉलेट में से पैसे आप किसी को भेजते थे, किसी का मोबाइल रिचार्ज करते थे, तो अभी आप डायरेक्टली अपने बैंक के अकाउंट के साथ यूपीआई कनेक्ट है तो किसी को भी पेमेंट भेजना हो तो उतना ही अमाउंट आप भेज सकते हो, ज़्यादा पैसा आपको वॉलेट में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यूपीआई आने से एक बहुत बड़ी इफेक्ट ये वॉलेट इंडस्ट्री को पड़ी है, जो भी पेमेंट सर्विस जैसे कि फ्रीचार्ज हो गया, पेटीएम हो गया, तो वो वॉलेट की सर्विस एकदम अचानक से उसका यूजेस बंद हो गया या फिर कम हो गया है। तो ये थी यूपीआई के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, और आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर से प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो आगे आने वाले वीडियोज़ है वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।